लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस ने लगाई वादों की झड़ी। जन आवाज नाम से जारी किया घोषणा पत्र। न्याय योजना समेत रोजगार के कई बड़े वादे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में राजद्रोह का कानून खत्म करने का दावा। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट में संशोधन का भी जिक्र। कांग्रेस के घोषणा पत्र में गरीबों को 72,000 रुपए सालाना देने का वादा। राहुल गांधी ने कहा गरीबी हटाने में यह योजना होगी कारगर। रोजगार के मोर्चे पर कांग्रेस ने 22 लाख सरकारी पदों को 2020 तक भरने का जिक्र किया। घोषणा पत्र के अनुसार 10 लाख से ज्यादा लोगों को ग्राम पंचायत में दी जाएगी नौकरी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए कर्ज माफी और कर्ज मुक्ति का वादा किया। कहा किसानों के लिए अलग से बजट लाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर जीडीपी का 6% किया जाएगा खर्च। कांग्रेस के घोषणा पत्र में दावा किया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र पर 3% खर्च करेगी कांग्रेस। घोषणा पत्र में 2023-24 तक रखा लक्ष्य। मोदी सरकार की टैक्स पॉलिसी को कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बताया टैक्स टेररिज्म। जीएसटी के नियम को सरल बनाने का वादा किया। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल लाएगी कांग्रेस। घोषणा पत्र में 17वीं लोकसभा में लाने का दावा किया। मॉब लिंचिंग से लेकर हेट क्राइम को रोकने के लिए कांग्रेस उठाएगी सख्त कदम। एससी एसटी और अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों को भी रोकने का घोषणा पत्र में जिक्र। प्रियंका वाड्रा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की तारीफ की। युवाओं से घोषणा पत्र पढ़ने की अपील की। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी का पलटवार। अरुण जेटली ने बताया खतरनाक कहा राहुल के टुकड़े टुकड़े गैंग वाले दोस्तों ने तैयार किया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर तमिलनाडु के टूटीकोरिन में अमित शाह ने सवाल उठाए। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट पर पूछा क्या कांग्रेस सैन्य बलों को गिराना चाहती है मनोबल। बिहार के जमुई में विरोधियों पर बरसे पीएम। पूछा विपक्षी बताएं उन्हें भारत के सपूतों पर भरोसा या पाकिस्तान के कपूतों पर। उड़ीसा के कालाहांडी में विपक्ष पर मोदी का हमला। कहा कांग्रेस और बीजेडी जैसी पार्टियों ने गरीबों को हमेशा गरीब रखा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों के साथ बताया बड़ा धोखा। सिसोदिया ने पूछा इस बार पूर्ण राज्य के वादे से क्यों मुकरे। अकाली दल ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बताया झूठ का पुलिंदा। सुखबीर बादल ने कहा यह मैनिफेस्टो रद्दी का टुकड़ा। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में बदलाव को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र की महबूबा मुफ्ती ने तारीफ की। कहा पीडीपी ने जो रास्ता दिखाया था उससे ही शांति आएगी। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आरोप में मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत। सीपीएम ने कार्रवाई की मांग की। योगी के खिलाफ चुनाव आयोग का पूर्व नेवी चीफ एडमिरल रामदास ने दरवाजा खटखटाया। भारतीय सेना को मोदी की सेना बताने पर शिकायत की। आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर राहुल ने कहा खुले हैं रास्ते। सोमवार को शीला दीक्षित ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था। केरल के वायनाड से 4 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर्चा भरेंगे। अमेठी से भी लड़ेंगे चुनाव। गोरखपुर में विजय लक्ष्य युवा सम्मेलन में सीएम योगी हुए शामिल। गांधी परिवार पर लगाया देश को पीछे ले जाने का आरोप। गुजरात के आणंद में 10 अप्रैल को पीएम मोदी की रैली। चुनावी घोषणा के बाद पीएम की अपने गृह राज्य में होगी पहली रैली। मेहसाणा दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट में हार्दिक पटेल की याचिका खारिज। सजा के निलंबन पर तत्काल सुनवाई के लिए दायर की थी याचिका। बीजेपी के एजेंट होने के सवाल पर बोले भीम आदमी के चंद्रशेखर। कहा वो नहीं बीजेपी के एजेंट। मायावती के घर में बैठे हैं बीजेपी के एजेंट। मूर्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में मायावती का हलफनामा। कहा पैसा शिक्षा अस्पताल पर खर्च हो या मूर्तियों पर यह कोर्ट नहीं तय कर सकता। चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे का दावा शर्तों पर मानी बीजेपी। सामना के लिए संजय राउत ने इंटरव्यू लिया। नॉर्थ मुंबई से बीजेपी प्रत्याशी ने गोपाल शेट्टी का कांग्रेस उम्मीदवार उर्मिला मातोंडकर पर जुबानी हमला। उर्मिला को बताया भोली भाली लड़की राजनीति में जीरो। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी के नेता जयदीप कावड़े की बिगड़ी जुबान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भद्दी टिप्पणी की। राहुल गांधी को एक सिरे से सभी को हिंदू कहे जाने वाले बयान की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में निंदा। छात्र संघ ने बयान को बताया गलत। गुरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता विमल गुरुंग की गिरफ्तारी से राहत वाली याचिका पर कल सुनवाई। एससी में ममता सरकार ने याचिका का विरोध किया। मैं भी चौकीदार वाले कप पर चुनाव आयोग ने रेल मंत्रालय को जारी किया नोटिस। 4 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक जवाब दाखिल करने को कहा। लोकसभा चुनाव से पहले 200 से ज्यादा लेखकों ने अपील की नफरत की राजनीति खत्म करने के लिए भारतीयों से वोट करने को कहा।
हरियाणा के मंत्री अनिल विज की फिर बिगड़ी जुबान, विरोधी नेताओं को बताया बुरी आत्माएं। महाराष्ट्र के सांगली में नामांकन के दौरान दिखा अजीब नजारा, उम्मीदवार ने 25,000 रुपए के सिक्के जमा कर नामांकन भरा। बीजेपी के उम्मीदवारों ने गाजेबाजे के साथ पर्चा भरा। पीलीभीत में महागठबंधन के उम्मीदवार हेमराज वर्मा ने भरा पर्चा, रोड शो के जरिए वरुण गांधी के खेमे को ताकत दिखाई। बलिया लोकसभा सीट से बीजेपी के वीरेंद्र सिंह को मिला टिकट, गाजेबाजे के साथ किया रोड शो। बलिया में डीएम से बीजेपी नेता विनोद तिवारी ने किया अभद्र व्यवहार, डीएम ने बीजेपी नेता को करवाया गिरफ्तार। वडोदरा के कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत पटेल ने दाखिल किया नामांकन, छात्र राजनीति से आए प्रशांत पहली बार चुनाव लड़ेंगे। राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार मोहन कुंडारिया ने रोड शो के बाद पर्चा भरा, सीएम रूपाणी भी रहे मौजूद। जूनागढ़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पूंजाभाई वंश ने दाखिल किया नामांकन, ऊना सीट से कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं। जयपुर ग्रामीण से कृष्णा पूनिया को कांग्रेस का टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं में खुशी, आतिशबाजी कर जश्न मनाया। रामपुर में एसपी नेता आजम खान ने दाखिल किया अपना नामांकन, बीजेपी उम्मीदवार जया प्रदा से है टक्कर। टीएमसी सांसद सौगत रॉय का अनोखा प्रचार अभियान, स्विमिंग पूल में पहुंचकर छात्रों को सिखाए तैराकी के गुर। पश्चिमी मिदनापुर से बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष ने ममता पर किया जुबानी हमला, किसी जमाने में ममता की खासम खास थी पूर्व आईपीएस अफसर। पश्चिम बंगाल की जांगीपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के अभिषेक मुखर्जी ने दाखिल किया पर्चा, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे। गुवाहाटी में सीएम सर्वानंद सोनोवाल का बड़ा दावा, कहा मोदी को फिर से पीएम बनाने में असम देगा बड़ा योगदान। चमोली में गृहमंत्री राजनाथ सिंह के हेलीकॉप्टर की ली गई तलाशी, चुनाव आयोग के निर्देश पर उड़न दस्ते की कार्रवाई। सवाईमाधोपुर में प्रशासन ने निकाली वोट बारात, मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने की मुहिम। यूपी के फरुखाबाद में बीजेपी सांसद और मौजूदा उम्मीदवार मुकेश राजपूत बुरे फंसे, बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगा। झारखंड में विपक्ष ने पुलिस पर लगाया संगीन इल्जाम, चुनाव में सरकार के एजेंट की तरह काम करने का आरोप। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ नहीं लड़ेगी चुनाव, सभी 11 सीटों पर बीएसपी को समर्थन देगी। जम्मू कश्मीर के गांडरबल में फारूख अब्दुल्ला के पहुंचने पर लगे आजादी के नारे, डिग्री कॉलेज के छात्रों के बीच चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे अब्दुल्ला। कर्नाटक में बीजेपी का डैमेज कंट्रोल, अनंत कुमार की पत्नी तेजस्विनी को बनाया प्रदेश का पार्टी उपाध्यक्ष। भुवनेश्वर में मायावती की पहली मेगा पब्लिक रैली, बोली बीजेपी और कांग्रेस ने पिछड़े तबके और अल्पसंख्यकों के लिए कभी नहीं किया काम। बिहार के सारण से आरजेडी प्रत्याशी और लालू के समधी चंद्रिका राय ने पूजा कर चुनाव प्रचार का श्री गणेश किया, मोदी सरकार पर बेरोजगारी का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ का यूटर्न, संघ के कार्यालय से सुरक्षा हटाने के बाद फिर बहाल किया। बुलंदशहर में बीजेपी प्रत्याशी भोला सिंह को सिक्कों से तोलने के मामले में नोटिस, सर्वेलांस टीम से प्रशासन ने जवाब मांगा। यूपी के हापुड़ में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चेकिंग के दौरान शराब की बड़ी खेप जब्त, 600 पेटी अवैध शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। यूपी के ललितपुर में चेकिंग अभियान के तहत 30 लाख रुपए बरामद, लेकिन कारोबारियों ने गलत तरीके से पैसे छीनने का पुलिस पर इल्जाम लगाया। वाहन चेकिंग के दौरान 50 लाख की नकदी जब्त, पुलिस ने 6 से ज्यादा युवकों को हिरासत में लिया। यूपी के बाराबंकी में चुनाव के दौरान पुलिस की गश्त तेज, दो अभियुक्तों के साथ बड़ी मात्रा में हथियार बरामद, असला फैक्ट्री का खुलासा। देवरिया में कांग्रेस दफ्तर में हंगामा, बीएसपी से आए नियाज को टिकट मिलने से कार्यकर्ता खफा। महाराजगंज में कांग्रेस पार्टी में टिकट को लेकर हंगामा, अमरमणि त्रिपाठी के समर्थकों ने नारेबाजी की। टैक्स चोरी मामले में कैप्टन अमरिंदर और उनके बेटे के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का नोटिस, 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। कोलकाता में दो हिंदू लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने के मसले पर बवाल, राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लिया। यूपी के बाराबंकी में दो गुटों में मामूली विवाद पर झड़प, लाठी डंडे से हुई मारपीट, 9 पर केस दर्ज, 4 गिरफ्तार। अलगाववादी गिलानी के समर्थन में फिर उतरी महबूबा मुफ्ती, कहा गिलानी साहब के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई से कश्मीर में नहीं आएगी शांति। टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के कारोबारी जहूर अहमद वटाली को बड़ा झटका, एससी ने जहूर से जुड़े हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया।
पूंछ में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई, पाकिस्तान के 3 जवान ढेर। रवि पुजारी का गुर्गा, उबैद रेडियो वाला प्रत्यर्पित, अमेरिका से लाया जा रहा है दिल्ली। मुंबई के सीएसटी ब्रिज हादसे मामले में हुई तीसरी गिरफ्तारी, प्राथमिक जांच रिपोर्ट में लापरवाही का आरोप। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 2 विदेशी ठग गिरफ्तार, 4 करोड़ की लॉटरी निकलने का झांसा देकर लाखों की ठगी को दिया था अंजाम। दिल्ली सटे गाजियाबाद में लूट गैंग से पुलिस की भिड़ंत, फायरिंग के बाद 5 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में पुलिस के साथ बदसलूकी करने के बाद भाग रही टीवी एक्ट्रेस रूही सिंह ने 6 गाड़ियों में मारी टक्कर, पुलिस ने केस दर्ज किया। चंडीगढ़ में कार में आग लगाने वाले युवक की मौत, कार के सिलेंडर में धमाके से। बिहार के बाढ़ में बिजली करंट की चपेट में आने से एक दंपत्ति की मौत, पति को बचाने के चक्कर में पत्नी की भी गई जान। विराट कोहली का आज बतौर कप्तान 100वां मैच, एमएस धोनी और गौतम गंभीर ही 100 से ज्यादा आईपीएल मैचों में कर चुके हैं कप्तानी। दिल्ली से जीत छीनने वाले किंग्स इलेवन पंजाब के सैम करन हैट्रिक जमाने से बेहद खुश, जीत के बाद बोले, मुझे तो हैट्रिक का एहसास तक नहीं हुआ। आईपीएल के बाकी मैचों के लिए यूएई से आए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, बेंगलुरु से जुड़े मार्कस स्टाइनिस और नेथन कुल्टर नाइल। आज है भारत की वर्ल्ड कप विजय की 8वीं सालगिरह, 2 अप्रैल 2011 को धोनी की टीम ने 28 साल बाद जीता था वर्ल्ड कप। दुबई में सीरीज के दौरान क्लब में नाइट पार्टी करने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल पर लगाया गया मैच फीस का 20% जुर्माना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अकमल ने माफी मांगी। भारत के सीवीसी में कार्यरत अधिकारियों को यूरोप में मिलेगी ट्रेनिंग, 3 से 14 जून तक वियना में कार्यक्रम। मेक इन इंडिया के तहत रेलवे ने कोच उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया, चीन को पीछे छोड़ा। अब मामूली वजह पर कंपनियों को दिवालिया कानून के तहत घसीटना होगा मुश्किल, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया आरबीआई का सर्कुलर। एनटीपीसी की कुल क्षमता बढ़कर 55,126 मेगावाट हुई, एमपी के प्लांट शुरू होने से 800 मेगावाट की बढ़ोतरी। भारत की रियल एस्टेट मार्केट में बढ़ा विदेशी निवेशकों का भरोसा, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत से तय रिटर्न मिलने का भरोसा। कॉमेडी फिल्म दे दे प्यार दे एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को बेताब, अजय देवगन उम्र के 50वें पड़ाव पर फिल्म का टीजर जारी। 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप पर बन रही फिल्म की तैयारी में जुटे रणवीर सिंह, धर्मशाला में 10 दिनों के सत्र के दौरान ट्रेनिंग लेंगे। फिल्मों में करीना कपूर और सैफ अली के बेटे तैमूर की जल्दी एंट्री, महज 2 साल में अक्षय की फिल्म में तैमूर दिखेंगे। कमाई के मामले में फिल्म उरी ने बनाए रिकॉर्ड, 244 करोड़ के साथ 10वें नंबर पर पहुंची फिल्म। डिंपल कपाड़िया के भतीजे की फिल्म ब्लैंक का पोस्टर रिलीज, ट्विंकल ने कहा करण आ गया। भगोड़े नीरव मोदी ने इंटरपोल और ब्रिटिश अधिकारियों को किया चैलेंज, कहा अगर रोक सकते हो तो मुझे रोक लो। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की नापाक चाल का खुलासा, नेपाल की सेना में घुसपैठ कर पाक रच रहा है भारत के खिलाफ साजिश। चीन में जंगल की आग से 30 की मौत, आग बुझाने में लगी 27 दमकल गाड़ियां। ईरान में भारी बारिश और बाढ़ से भारी तबाही, 45 की मौत। पेरू की राजधानी लीमा में डबल डेकर बस में आग लगने से कम 20 की मौत, आग की वजह का पता नहीं। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।